हेलो एवरीवन गुड इवनिंग वेलकम टू एमडी क्लासेस स्वागत है इंग्लिश के नए सेशन में रण क्षेत्र में इसमें रण क्षेत्र में हम लोग ये डिस्कस करते हैं जो मॉक टेस्ट हैं अलग अलग मॉक टेस्ट हम लोग रोज डिस्कस करेंगे इसमें 40 से 50 सवाल होंगे और इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं जैसे आपके एग्जाम में मिक्सड आएगा उसी तरह से हम लोग इस टाइम पर डिस्कस करते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा सा टाइम भी चेंज हुआ है इंग्लिश की क्लास का तो अब एक बजे वो कैबलरी की क्लास होगी तो आपकी जो ये नई सीरीज स्टार्ट हुई है वो कैब की अब वो दिन में एक बजे होगी रात में जो ये टाइम है आठ बजे ऐसे ही चलेगा और पी डी एफ और क्विजेस के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्विज़ और लिंक मतलब नोटिफिकेशन डाउट सबके लिए यही है नमस्ते अंकित बहुत जल्दी फिर से आ गए गुड इवनिंग मालती पूनम निशी अनमोल गब्बर रवि गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन तो स्टार्ट करते हैं फिर और आंसर करने की कोशिश करिएगा सब में चाहे वो स्पॉटिंग एरर हो तो उसमें भी आप ए बी सी डी के आगे बढ़ के और भी आंसर करिएगा कि क्या उसमें सही होना चाहिए चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्सट्यूशन है ये गुड इवनिंग पूजा तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्यूशन है इस पूरी बात को एक वर्ड में क्या कहेंगे टू हैव अ स्ट्रॉग फीलिंग ऑफ सिंपथी डिजायर टू हेल्प किसी के लिए बहुत ज्यादा सहानुभूति है और आप मदद करना चाह रहे हैं उसकी मदद की भावना हो तो वो ग्रेटिट्यूड होता है एपैथी है ब्रुटैलिटी है या कम्पैशन <coughs> एपैथी आई फ्लू हो गया अरे अंकित ये कब से हुआ फिर तो आप क्लास बिल्कुल ना करिए आपके तो बहुत जोर पड़ रहा होगा आंखों पे. बी ऑप्शन नहीं देखिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपेथी एपैथी का तो मतलब है उदासीन होना Apathy का मतलब है किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे ये तो उल्टा हो गया यहाँ पे हो जाएगा कंपैशन करुणा ये कहेंगे करुणा है कंपैशन सिंपथी एक ही चीज है किसी को हेल्प करने की भावना है मदद करना चाह रहे हैं उसके लिए सहानुभूति उसके प्रति जता रहे हैं ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुल होना आभारी होना ग्रैटिट्यूड आभारी जो ग्रेटफुल हुआ और ब्रोटैलिटी का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा उनको तो बर्बर होना क्रूर होना वो ब्रोटेलिटी हो जाएगा ब्रूटल और एपेथी का मतलब क्या हुआ इंटरेस्ट ना लेना किसी चीज में तो आंसर डी हुआ एक दूसरे का देख के आंसर ना करें अपने हिसाब से करिए एक का गलत होता है तो औरों का भी चल रहा है बहुत चल रहा है हाँ आई फ्लू तो बहुत ही ज्यादा बहुत बच के रहे हैं एग्जाम लेकिन अंकित आपके आंखों पे ज्यादा जोर ना पड़े क्योंकि ऑनलाइन जैसे देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी गुड इवनिंग आकाश 90% परसेंट शिकार हैं लोग सही बात है इरिगेट द फार्मर्स इन दिस विलेज डैश देयर फील्ड्स विद वाटर फ्रॉम द रिवर अब जो किसान हैं वो अपने खेतों को क्या करेंगे सोक करेंगे फ्लश फ्लड या इरिगेट फ्लश तो वो अब लोगों को पता है कि वो टॉयलेट वाला फ्लश होता है लेकिन फ्लश का मतलब एक ये होता है जो वर्ड कहाँ से आए किसी चीज को बहा देना बहाना किसी चीज को साफ कर देना बहुत सारा पानी डाल के सोप का मतलब हल्का गीला करना फ्लड का मतलब बाढ़ हो गया या बहुत ज्यादा मात्रा में संख्या में कोई चीज कहीं पे पहुंचाना इरीगेट होगा सिंचाई करना तो सिंचाई के लिए आएगा यहाँ पर Next, आपका ठीक हो गया अच्छा आपको भी हुआ था गुड इवनिंग अमित तो सिंचाई के लिए आएगा इरिगेशन थर्ड है यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है मदर सेट टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नाउ अब ये वाले कौन से सवाल हैं आज वैसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं लेकिन मंडे वाला जो टेस्ट होता है मंडे को जो मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं ये आपको ऐप पे टेस्ट मिलेगा जो एम डी क्लासेस ऑफिशियल ऐप है उसमें सब डिफरेंट एग्जाम्स के टेस्ट हो रहे हैं इंग्लिश का भी एक हफ्ते में एक बार होता है संडे को उस टेस्ट को जरूर दीजिए वो सबके लिए ओपन है फ्री है तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बी डी और सी चलिए एटलीस्ट आप लोग अलग अलग आंसर तो कर रहे हैं तो मदर सेट टू नवीन मदर ने कहा था पास्ट में और रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट है तो नाउ का देन हो जाएगा अब नाउ वाला ऑप्शन तो हटा देते हैं ये गलत है ये गलत हो गया और बोर्ड द ट्रेन नाव मतलब ट्रेन पे चढ़ो अभी चढ़ो ये कह रहे हैं तो बोर्ड हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है इंपेरेटिव का इनडायरेक्ट कैसे बनता है टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म इस तरह होता है तो मदर टोल टू बोर्ड दोट द ट्रेन देन टू भी आएगा fourth question. One word substitution है फिर से अ प्लेस वेर पिग्स आर केप्ड जहां पर पिक्स को रखा जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं जहां पर रखा जाए वो है कैनल है स्टेबल है शेड है या स्टाई है स्टाई आरती आजकल ये आ रही है, ये स्पेशली एम में इस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे थे कौन सा एनिमल कहाँ पे रहता है उसकी आवाज कैसी होती है उस आवाज को क्या बोला जाता है वो सब पूछ रहे थे काफी कानल डॉग स्टेबल हो शेड कानल क्या होता है यहाँ पे डॉग को रखा जाता है जो डॉग का छोटा सा घरों हट के शेप का बना देते हैं स्टेबल का क्या होता है अस्तबल ये हॉर्सेस के लिए होता है शेड में वैसे कुछ भी चीज रख सकते हैं शेड एक छोटी सी बिल्डिंग हो गई जो ऐसी कच्ची सी बनी हुई है मतलब है कि वो वुड की हो सकती है मेटल की हो सकती है टीन की या फिर वो काओ शेड भी हम लोग उसको वहां पे काओ को रखा जाए या फिर कोई भी एनिमल कोई हो सकता है रखे या कोई सामान स्टोर किया जाए वो शेड हो सकता है स्टाई होता है ये भी इसका मत, इसका हो जाएगा style या pick style, दोनों का मतलब जहां पे पिक को रखा जाए फिफ्थ अब यहां पे एक्टिव पैसिव करना है पीपल आर कंटिन्यूअसली वाचिंग द इलेक्शन रिजल्ट सुन में क्या है वर्ड्स वर्ड्स में नहीं तो किसकी आवाज को क्या बोला जाता है चलिए एक दिन हम लोग वो कैबरी की क्लास में इसको भी कर लेंगे कि एक्जैक्टली exactly मतलब डॉग के लिए क्या होता है कुत्ता जो भोंकता है उस भोंकने को क्या बोला जाता है इंग्लिश में बता सकते हैं सी ऑप्शन लग रहा है पीपल आर कंटिन्यूसली वॉचिंग आर वॉचिंग कह रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव कैसे होगा ज एम आर में से कुछ आएगा बींग आएगा और वर्फ की थर्ड फॉर्म क्योंकि आई एन जी फॉर्म होनी चाहिए वही आ गई तो द इलेक्शन रिजल्ट जो था वो सब्जेक्ट अब बन जाएगा यहाँ पे बींग नहीं आया गलत हो गया फिर सेकेंड सेंटेंस में भी आई एनजी नहीं आया बींग ये भी गलत है यहाँ पे बींग है यहाँ पे बींग नहीं था तो आंसर सही हुआ ये आप लोगों का सही अनमोल पूजा बार्क होगा बिल्कुल सही बार्क है अब ये इतना कॉमन है आपको पता है लेकिन जिन ऐसे इतना आसान भी आ सकता है एग्जाम में बिल्कुल ईजी भी आता है लेकिन जो एग्जाम में जिस लेवल के ज्यादातर आ रहे हैं वो हम लोग कर लेंगे किसी क्लास में वो कैबलरी में अब एंटोनिम इस वर्ड का बताए बॉयकॉट का क्या होगा एक्सक्लूड करना वेलकम स्पर्न या बार ने वेरी गुड सौभाग्य क्या लिखा है गुड इवनिंग ममता तो इतनी जल्दी कमेंट ऊपर चले जाते हैं कुछ था पढ़ा लेकिन ऊपर चला गया वेलकम हाँ बॉयकॉट का मतलब बहिष्कार करना तो बॉयकॉट बहिष्कार है तो उसका उल्टा वेलकम हो जाएगा स्वागत करना एक्सक्लूड का मतलब भी शामिल ना करना ये उसका सिनोनियम के रूप में हो सकता है स्पर्न का मतलब क्या हो गया स्पर्न का मतलब होता है किसी को रिजेक्ट करना स्पर्न का एक सिनोनियम पूछा गया था वो शन स्पर्न का मतलब एक होता है किसी को रिजेक्ट करना वो भी घमंड के साथ किसी ने जैसे इनवाइट किया तो इनविटेशन दे रहे हैं अब वो एक होता है कि पोलाइटली आपने आ भी नहीं सकते वहां पे मतलब जा नहीं सकते हैं तो कह दिया नहीं हम थोड़ा बिजी हैं नहीं आ पाएंगे बड़ा अच्छा लगता एक है कि नहीं नहीं हम नहीं हमें नहीं आना मुझे मेरे पास समय नहीं है अब वो जो थोड़ा रूड लगे कि बड़े घमंड के साथ मना कर रहे हैं वो होता है स्पर्न करना बार का मतलब ब्लॉक बार का एक मतलब ब्लॉक होता है रोक किसी चीज में रुकावट डालना बाधा डालना सेवेंथ अब ये मीनिंग इस ईडियम का बताइए बाय एंड लार्ज का क्या होगा हाँ शुभी बिल्कुल सही हफ हाँ मुझे नहीं चाहिए <laughs> अंदर से तड़प रहे हैं कि खाने को नहीं मिलेगा ऑन द होल सख्त इनका बिल्कुल हाँ ऑन द होल बाय एंड लार्ज का मतलब है पूरी तरह से अगर किसी को चीज को देखा जाए तो तो ऑन द होल हो गया पूरी तरह से इसमें आपको एरर देखना है यहां से देखिए कंसिडरिंग अबाउट द फैक्ट वन कैन इजिली कंक्लूड दैट मिस्टेक्स हैव बीन कमिटेड सही बात है उनका अबाउट नहीं होगा अच्छा चलिए ऑन द होल तो हाँ सही था आपका थोड़ा सा पीछे चल रहा है शायद गब्बर वो क्लास थोड़ा पीछे भी हो जाता है नेटवर्क कनेक्शन की वजह से उस पर टैप करिए जो लाइव नीचे लिखा है वीडियो के तो साथ में आ जाएगा कंसिडर के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता कंसिडर का मतलब एक होता है किसी चीज को ध्यान में रखते हुए तो द फैक्ट कंसिडरिंग द फैक्ट वन कैन ईजिली कंक्लूड मतलब इस फैक्ट को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई भी आसानी से इस निष्कर्ष पे आ सकता है कि गलतियां हुई हैं कंसिडर के साथ प्रेपोजिशन नहीं होगा अब सिनोनिम बताइए प्रोएक्टिव का गुड इवनिंग सोनम शुभी आपको ये डिक्शनरी देखिए अच्छी फिर वो ये है वर्ल्ड की बेस्ट डिक्शनरी का फिर से नाम लेंगे ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स तो, uh, तो वहां पर आप मेक अ मिस्टेक भी होता है कमिट भी होता है दोनों है सही एंथुजियाटिक हाँ प्रोएक्टिव एक्टिव का तो मतलब ही है जो सक्रिय है प्रो का मतलब और आगे बढ़ना प्रो का मतलब फॉरवर्ड होता है आगे प्रो एक्टिव मतलब और ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के सक्रिय है तो कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया तो ये एंथुजियास्टिक हुआ एंथुजिया का मतलब जो परवाह ना करे जो लापरवाह सा जो किसी चीज की परवाह ना करे शॉर्ट साइटेड कौन होता है जिसको पास की चीज आसानी से बस दिखाई दे रही है मतलब दूर की नहीं दिखाई दे रही पास की दिखाई दे रही है तो ये आंखों की देखने की सेंस में भी हो सकता है और दूसरा इसका ये भी मतलब हो सकता है जो दूर की नहीं सोच रहा मतलब कुछ भी काम कर रहा है तो ये नहीं सोच रहा कि इसका बाद में जाके फ्यूचर में क्या रिजल्ट मिल सकता है वो भी शॉर्ट साइटेड है रिएक्टिव मतलब किसी चीज पे जो प्रतिक्रिया दे किसी तरह का रिएक्शन दे वो रिएक्टिव हुआ टेंथ अब इसमें गलती हो तो करेक्ट करें द इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक मे नॉट बी नेसेसरी द सेम फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑफ देंडेमिक मिस प्रिंट हुआ है ये है विल नॉट बी नेसेसरी मे नॉट बी नेसेसरीली नो इंप्रूवमेंट या ड नॉट बी ने इंप्रूवमेंट लग रहा है मे नॉट बी ने सेम अब आपको कुछ बारीकी में जाके देखिए ये देखना है ये द सेम किसके लिए आए इफेक्ट क्या है नाउन हो गया एक तो नाउन कैसे है ये हम लोग पढ़ते हैं कि इफेक्ट नाउन है जो अफेक्ट है ए वाला वो वर्ब है तो ये नाउन हुआ अगर आपको वो भी नहीं याद तो आप द देखिए द आर्टिकल है आर्टिकल का संबंध नाउन से होता है तो ये नाउन हुआ अब हम किसको सेम कह रहे हैं इस असर को सेम कह रहे हैं तो इफेक्ट ऑफ द पेंडेमिक मे नॉट बी नेसेसरी द सेम नाउन को डिस्क्राइब करने वाला ये जो वर्ड है सेम ये एजेक्टिव हुआ नाउन की विशेषता बता रहा है अब हम क्या कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सेम हो अब नेसेसरी वर्ड का संबंध एजेक्टिव से हुआ अब आप ये देखिए कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या होता है हमें एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए एडवर्ब चाहिए क्या ये एडवर्ब है नेसेसरी एडवर्ब नहीं है नेसेसरली एडवर्ब होगा ये तो एडजेक्टिव था नेसेसरली होना चाहिए तो मे नॉट बी नेसेसरली ये हो गया सही अब आपको लग रहा हो कि यहाँ पे भी तो वही वर्ड आ रहा है लेकिन डज नॉट बी डस के साथ भी ये कोई रचना नहीं है तो इस वजह से गलत था तो हमें एडवर्ब लाना था ये एजेक्टिव ये नाउन था इफेक्ट नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए सेम वर्ड आ रहा है वो एजेक्टिव हुआ अब नेसेसरी जो है वो भी सेम के लिए आ रहा है तो फिर नेसेसरी नहीं होगा एडवर्ब आएगा नेसेसरीली एल वाई लगेगा अब इसमें बताइए स्पेलिंग की मिस्टेक सबका गलत था कोई बात नहीं गलत था नई चीज सीखी नई नहीं, नहीं है लेकिन आपको उसी पुराने कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्लाई करना है वो देखना Shortfall, पैरल एक्सेप्टेबल या हम्बली इसकी क्या रॉन्ग स्पेलिंग इसमें से कौन सी हम्बली चलिए सही बताया एच यू एम बी एल वाई हम्बल का मतलब क्या होता है विनम्र जिसको घमंड ना हो shortfall का मतलब है किसी चीज की कमी डेफिसिट शॉर्ट फॉल का मतलब डेफिसिट parallel आपको पता है जैसे पैरल लाइन हैं बिल्कुल कि ऐसी सीधी चल रही है तो कहीं भी जाके आगे आपस में क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को एक्सेप्टेबल का मतलब जो चीज कोई एक्सेप्ट करे स्वीकार करे ट्वेल्थ अब यहाँ पे भी आपको मिस्टेक देखनी है सिंस ही वर्कड हार्ड ही फेल टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन और गुड इवनिंग डी आर डी ओ रामशीष गुड इवनिंग तो आपको ये बता दें फिर से कि वो कैब के जो टाइम है वो कैब क्लास का वो चेंज हो गया है अब एक बजे वो कैब होगी वही आधे घंटे की मैक्सिमम आधे घंटे की होती है और रात में आठ बजे ये प्रैक्टिस क्लास ये दो क्लासेस फिलहाल चल रही हैं सिंस में गड़बड़ है दो लग रहा अच्छा चलिए ठीक है सिंस का मतलब क्या होता है क्योंकि सिंस का मतलब एक वो स्टार्टिंग टाइम वाला होता है और एक मतलब इसका होता है क्योंकि या बिकॉज तो क्योंकि उसने मेहनत की थी इसलिए वो फेल हो गया ये तो नहीं होगा मेहनत की वजह से फेल हुआ एस का मतलब भी वही है क्योंकि जब मेहनत की थी तब फेल हुआ ये नहीं दो होना चाहिए हालांकि उसने मेहनत की थी फिर भी फेल हो गया तो दो आएगा अब ये सवाल है मान लीजिए एक ई ऑप्शन होता ऑल दो तब आप क्या करते हैं आपका आंसर वही डी होता या ई होता अब सवाल के अंदर सवाल अगर ये दो ऑप्शन होते तब क्या बारीकी से अगर सवाल पूछा जाए तो कैसे तब ई करते नहीं एक आंसर बताना है अब आपको एक मार्क करके आना है। एग्जाम में ही आ गया वैसे दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। लेकिन बेटर हम किसको चुने बिल्कुल सही मानशु वेरी गुड यहां पे ये आपको देखना है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर सेंटेंस के आपको भरना है तो थोड़ा सा बेटर वहां पे ऑल दो होता है थोड़ा बेटर की बात है नहीं तो दो भी सही था लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा बेटर ऑल दो है अगर सेंटेंस के बीच में रखना है तो फिर थोड़ा बेटर दो हो जाता है तो थोड़ा सा ब्रेड क्योंकि ऐसा सवाल आया है क्लोज टेस्ट में आ चुका है इसलिए आगे के लिए भी तैयार रहिए कैरी आउट फ्रेजल वर्ब का मतलब बताइए अब कैरी आउट कैरी आउट हम लोगों ने आज ही एक बजे वाली क्लास में किया था फ्रेजल वर्ब जब कर रहे थे तो कैरी आउट का मतलब ओबे हुआ कम्युनिकेट एग्जीक्यूट या मॉडिफाई उसमें एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट का मतलब क्या है अब इस वर्ड का मतलब क्या हुआ एग्जीक्यूट का मतलब एक किसी को सजा देना जैसे सजा के तौर पे किसी को जान लेना ले लेना किसी की ऐसे फांसी दे दी तो वो भी एग्जीक्यूट होता है लेकिन एग्जीक्यूट का एक मतलब किसी चीज को किसी चीज का पालन करना या किसी चीज को लागू करना भी होता है तो लागू करने की भी सेंस है एग्जैक्ट मतलब इसका है जैसे कोई काम किसी को दिया हुआ हो उस काम को पूरा कर लेना कंप्लीट अ टास्क तो यह भी पूरा करने की सेंस आ रही है कि जो काम दिया गया था वो एग्जीक्यूट कर दिया पूरा किया अमल में लाए ओबे का मतलब है जैसे ऑर्डर ओबे किया किसी का कहना मानना कम्युनिकेट मतलब है कि किसी से अपनी बात कहना मॉडिफाई मतलब होता है चेंज मॉडिफाई मतलब बदलाव लाना चेंज लाना अब यहां पे गलती डोंट फोगेट पोस्ट दीज लेटर्स बिल्कुल सही वरुण गुड इवनिंग हाँ सोनम करेक्ट अब यहाँ पे बताइए कुछ है गलती डोंट फोगेट पोस्ट दीज लेटर्स फोगेट के साथ सी ऑप्शन ममता शुभी टू पोस्ट आरती करेक्ट हाँ सही बता रहे फोगेट फोगेट के साथ क्या आएगा इन्फिनेटिव का यूज होगा फोगेट के साथ वैसे आई फॉर्म जेर आ सकता है लेकिन वो तो ऑप्शन में यहाँ पे है नहीं तो फोगेट टू पोस्ट मतलब है कि भूलना मत के ये पोस्ट करना है तो इनफिनिटिव आया फॉरगेट के साथ अब ब्लैंक फिल करें नथिंग हैज चेंज्ड इन दिस कंट्री डैश आई लेफ्ट इट 15 इयर्स अगो तो नथिंग हैज चेंज्ड हाउएवर आई लेफ्ट इट व्हेन आई लेफ्ट इट सिंस आई लेफ्ट इट ये फ्रॉम है ये ये फ्रॉम वर्ड है गुड इवनिंग नेचर बहुत बढ़िया आप कैसी हैं सिंस होगा पक्का सिंस क्यों आता है अभी एक सिंस का यूज हम लोगों ने किया था क्योंकि की सेंस के लिए लेकिन सिंस का एक और मतलब वो स्टार्टिंग टाइम वाला भी होता है तो ये स्टार्टिंग टाइम है कि जब मैंने छोड़ा था तब से कुछ बदलाव नहीं हुआ है जब छोड़ा था वो स्टार्टिंग टाइम है तब से ये वाली चीज नहीं हुई है कि कोई बदलाव तो इसलिए स्टार्टिंग टाइम के लिए सिंस सोलह अब यहां पे बताइए मीनिंग या इडियम का मीनिंग बताएं फील्ड डे का क्या मतलब होगा <coughs> not shy much of a field देखा है नाउ एंड देन मतलब ओकेजनली कोई चीज ओकेजनली हो रही है मतलब काफी हो रही है थोड़े-थोड़े टाइम -थोड़े के बाद ऑन द ओकेज़ ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट द हॉटेस्ट डे ऑफ द समर सीजन या एंजॉयबल एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स अब आप लोग डी ऑप्शन बता रहे सोनम का है ये सौभाग्य का ममता अनमोल बी अशोक प्रशांत बी नहीं इसका ये आंसर है लेकिन इसका मतलब क्या है दे आर हैविंग अ फील्ड डे का मतलब ये हो गया कि वो आराम से मतलब वो इंजॉय कर रहे हैं लेकिन उससे किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है किसी दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा मज़ा नहीं आ रहा अब जैसे फील्ड डे है अब ये आप स्कूल में खेलते थे तो बच्चे अब आ, मैदान में चले गए खेलने के लिए तो टीचर्स मना कर रहे हैं कि वहां पे नहीं जाना लेकिन बच्चे आराम से मैदान में खेल रहे हैं फील्ड में खेल रहे हैं तो बच्चों को मजा आ रहा है लेकिन टीचर को बुरा लग रहा है तो वहां पे वो फील्ड डे हो गया एंजॉय कर रहे हैं लेकिन किसी ना किसी का नुकसान या तो है या किसी को बुरा लग रहा है सत्रह है अब इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताइएगा कैरी द डे का मतलब क्या होता है वो जीतना होता है कैरी द डे का मतलब विन जीतना वाला कंसिडरेबल कंसिडरेट लॉडेटरी कॉम्पिटेंट या इम्बेसाइल इनके मीनिंग भी पता है फील्ड जॉब एक वो होती है फील्ड वर्क है इमबाइल की सही है इसका मीनिंग क्या है लेकिन बाकी सबकी बता सकते सही स्पेलिंग इमबेसाइल तो चलिए सही है कंसिडरेट की सी ओ एन एस आई डी ई आर ए टी कंसिडरेट मतलब है जो दूसरे की परवाह करे फीलिंग्स की परवाह करे सेंसिटिव टाइप का इंसान तो ये सेंसिटिव जो केयर करे केयरिंग सेंसिटिव कह सकते हैं लॉडेटरी की क्या स्पेलिंग एल ए यू डी ए टीओ आर वाई लॉडरेट्री का मतलब लॉर्ड या प्लॉट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना तो लॉडरेटरी है मतलब है कि प्रशंसनीय है कॉम्पिटेंट uh, की सीओ एम -E T टी एन टी कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम हो गया और ये मूर्ख हो गया बिल्कुल सही एमबिस का मतलब होता है स्टूपेड मूर्ख ये मतलब है इसका 18। अब इसमें बताइएगा एरर द रीजन वाई ही वॉज एबसेंट वॉज बिकॉज ऑफ इलनेस इसमें गलती लग रही हो तो डी के अलावा आप ये बताइए सही कैसे होगा फिर सेंटेंस बिकॉज हटेगा नहीं तो सिर्फ बिकॉज हटके सेंटेंस क्या सही हो जाएगा चलिए ये तो आपने इसीलिए पूछा था क्योंकि सिर्फ बिकॉज हटाना इसका सोल्यूशन नहीं है आपका आंसर यहां तो सही हो जाएगा क्योंकि आपको रूल क्या याद आ रहा होगा द रीजन वाई के साथ बिकॉज का यूज नहीं होता द रीजन या द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आता तो इसमें गड़बड़ है लेकिन फिर होगा क्या वॉज इज अच्छा देखते हैं द रीजन वाई ही हम लोग क्या करते हैं द रीजन वाई के साथ दैट का यूज करना है तो हम ये कहेंगे द रीजन वाई ही वॉज एब्सेंट वॉज दैट ही वॉज सिक या ही वॉज इल कह दीजिए उसके एबसेंट uh, होने का रीजन था कि वो बीमार था हमें की लाना था तो हिंदी में हम की कैसे लाएंगे की वह बीमार था वह बीमार था का हो गया या इस तरह से हो जाएगा तो मिस्टेक आपकी हो गई सी पार्ट में जो कि सही बताया उनमें से आप सिनोनिम बताए इस वर्ड का डेनिग्रेशन और सिनोनिम का दैट लगेगा हाँ बिल्कुल सही कहा वरुण रोशन करेक्ट और denigration का क्या होगा सिनोनिम का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम बिल्कुल एग्जैक्ट वही मतलब हो या थोड़ा मिलता जुलता हो तो denigrate अगर किसी को कर रहे है, ये थोड़ा सा हो गया मुश्किल कैलमनी कैलमना दोनों होता है चलिए देखिए denigration का मतलब होता है किसी के बारे में किसी को कमतर समझना या किसी को नीचा दिखाना तो इसका एग्जैक्ट मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना बी लिटिल करना बी लिटल करना नीचा दिखाना अब उसका डिप्रेविटी कलमनाई या रिपग्नेंस या एस्टिमेशन नीचा दिखाना स्पेशली किसी का ये क्या लिखा है व्हाट इफ ओनली यूज वॉस के बाद हिज तो अब सेंटेंस अभी एक बार देख लेते हैं इस पे वापस चल के तो इसका डेनिग्रेशन का मतलब बी लिटल नीचा दिखाना हो गया डिप्रेविटी का मतलब नीचता कोई व्यक्ति अगर डिप्रेव है तो मतलब बिल्कुल नीच टाइप का इंसान है मतलब विकेड है विकेड है या इवल बहुत ही दुष्ट है कैलमनी का मतलब होता है किसी का किसी को नीचा दिखाना स्पेशली उसके बारे में बुरा बोल के झूठ बोल के मतलब झूठ बोल रहे हैं उसके बारे में उस तरह से नीचा दिखाना रिपग्नेंस यही आंसर इसका हो गया रिपग्नेंस का मतलब होता है किसी चीज से हेट करना हेट या बहुत ज्यादा चिड़ना डिसलाइक करना एस्टिमेशन का मतलब अनुमान एस्टिमेशन अनुमान हो गया लुक डाउन अपॉन वेरी गुड फ्रेजल वर्ब इसके लिए है बिल्कुल सही अच्छा अब ये देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं द रीजन वाई ही दैट ही सिक ये कर, किया या द रीजन वाई ही वॉज एब्सेंट वॉज रीजन वाई के साथ आपको क्या लाना है या तो आप इस तरह करते अगर आपको इलनेस लाना है तो द रीजन फॉर हिज एबसेंस द रीजन फॉर हिज एबसेंस वॉज Absence वॉज हिज सिकनेस या वॉज हिज इलनेस फिर ऐसे करते फिर रचना आपको बदलनी पड़ती तो रीजन वाई के साथ कुछ और होगा सिर्फ द रीजन है तो कुछ और हो गया ट्वेंटी अब यहां पे है कोई गलत हो तो सही करें बताना अच्छा ठीक है लास्ट में देखते हैं उसे बिल्कुल लास्ट में पूछ ले तो फिर टाइम बचता है उस टाइम आंसर कर दे या फिर जो ग्रुप है इंग्लिश बाय शीना जैदी वहां पे पूछ लीजिए चलिए अभी यहाँ है इफ द वर्ल्ड इफ द वर्ल्ड वर्ल्ड टू एंड वुड टूम डे टू डे वाई वुड यू स्पेंड क्या ये सही है यहाँ पर वाई आप किसी से क्या पूछेंगे अगर दुनिया कल ही खत्म होने वाली हो एक ही दिन में दुनिया खत्म होने वाली हो तो तुम क्या करोगे किस तरह से वो एक दिन बिताओगे वाई वुड यू स्पेंड मतलब है कि तुम क्यों करोगे क्यों करोगे ये नहीं होगा यहां पे तुम क्या करोगे हाउ होना चाहिए या वैन होना चाहिए वेन नहीं आएगा क्योंकि हम समय तो खुद ही बता रहे हैं कि ये कब होगा ये आज के दिन क्या होगा एक दिन वेन का यूज नहीं होगा वाई नहीं होगा या तो वर्ट या हाउ अब क्या कह रहे हैं तुम क्या करोगे ये बोलना चाह रहे हैं लेकिन सेंटेंस क्या है कैसे स्पेंड करोगे तो यहां स्पेंड वर्ड आ रहा है तो क्या बोलेंगे कैसे स्पेंड करोगे किस तरह से स्पेंड करोगे तो कैसे के लिए हाउ आ गया How would you spend? किस तरह से स्पेंड करोगे तो आप लोगों का आंसर करेंगे ठीक है वो तो वर्ड क्यों आ रहा था स्पेंड वर्ड है तो किस तरह से स्पेंड करोगे किस तरह के लिए हाउ आया कैसे या के? किस तरह उसके लिए ट्वेंटी वन <laughs> दुनिया खत्म हो जाए भगवान का शुक्रिया करेंगे ऐसा क्यों इतने ज्यादा दुखी लग रहे हैं बिल्कुल गब्बर गुड इवनिंग अब यहाँ पे बताइए अनस्पेयरिंग का एंटोनियम स्पेंड थ्रिफ्ट हुआ सरेप्टिशियस हुआ माइजरली या ऑब्जर्वेशन अनस्पेयरिंग व्यक्ति कौन हुआ स्पेयर का मतलब कुछ बचाना कुछ एक्स्ट्रा जैसे रखना जो अनस्पेयरिंग है मतलब वो बचा नहीं रहा अनस्पेयरिंग व्यक्ति मतलब वो खर्च कर रहा है तो जब खर्च कर रहा है तो उसका उल्टा क्या हुआ खर्च करने का तो सिनोनिम ये हो गया स्पेंड थ्रिफ्ट हम लोगों ने सिनोनिम में किया था स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब जो फिजूल खर्च करे सेरेपटिश का मतलब होता है सीक्रेट ये तो बिल्कुल अलग चीज हो गया गुप्त ऑब्जर्वेशन निगरानी हो गया ये भी अलग चीज है माइजर्डली हो गया माइजर्डली का मतलब है कंजूस miserly, निगार्डली सिनोनिम्स है पार्सिमोनियस इसका मतलब कंजूस है तो वो जो बचत कर रहा है और ये बचत नहीं कर रहा अन लगा है तो ये उल्टा हो गया बचत ज्यादा ही कर रहा है ट्वेंटी टू अब इसमें गलती देखें Nobody in my family knows when will my brother be arriving at the station. Spotting errors का सवाल। द और स्पॉटिंग जिंदगी का ना घर वालों को कुछ दे सकते कुछ ले सकते ऐसा ना सोचिए गब्बर सब ऐसी धीरे धीरे सबके टाइम से सब चीजें होती हैं शुरू में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं जा रहा डी ऑप्शन लग रहा है अच्छा आकाश डी एस सी देखिए नो बडी इन माई फैमिली नोज वेन विल माई ब्रदर बी अराइविंग सब्जेक्ट यहां पे क्या है इस हिस्से में कि भाई कब आएगा भाई सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले कब आता है सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले कब आती है जब सवाल पूछा जाए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव तो नहीं है ना यहाँ प्रश्नवाचक नहीं है ये नॉर्मल सेंटेंस है नॉर्मल मतलब एसर्टिव जिसमें सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब आएगा तो मतलब होना चाहिए नोबडी इन माई फैमिली नोज वेन माई ब्रदर विल बी अराइविंग वेन माई ब्रदर विल विल बाद में यूज होगा नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री यहां पर बताइए इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे अ पर्सन हु हैज हिज फेथ जिसने अपना धर्म बदल लिया तो वो व्यक्ति क्या हुआ वह फ्यूजटिव हुआ, हुआ पैंथिस्ट हुआ या एग्नोस्टिक हुआ इस तरह का जय हिंद गणेश अपोस्टेट हुआ बिल्कुल सही धर्म बदल लिया या पार्टी के लिए भी हो सकता है ज्यादातर ये वर्ड धर्म के लिए आता है कि कन्वर्ट हो गया कोई लेकिन पार्टी बदलने के लिए भी आता है अपोस्टेट हो सकता है उसके लिए और ये फ्यूजिटिव क्या होता है भगौड़ा हो गया फ्यूजिटिव फ्यूजिटिव का एक और मतलब भी होता है जो चीज कम समय के लिए चले समय जिसका कम तो शॉर्ट लिव भी कह सकते हैं और एक भगौड़ा भी कह सकते हैं पैंथीस एग्नोस्टिक बता सकते हैं ये वर्ड आपको याद आ रहा है दो रूट वर्ड से मिलकर बना है दो रूट पैंथीज डाउटफुल गॉड होता है अच्छा नहीं पैंथीज नहीं आपने दूसरे को बता दिया गुड इवनिंग शर्लिन पीडीएफ है बिल्कुल आपको पीडीएफ इस पे इंग्लिश बाय शीना जैदी टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएगी कुछ देर में अवेलेबल हो जाती है इंग्लिश बाय शीना जैदी ये है अच्छा तो पैन का मतलब ऑल होता है इसी से पैनेसिया बनता है रामबाण जो हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो पैन का मतलब ऑल हुआ थियो का मतलब हो गया गॉड तो जो हर तरह के गॉड को माने मतलब धर्म के हिसाब से नहीं सारे गॉड्स को मान रहा है सब में विश्वास रखता है तो वो हो जाएगा पैंथिस्ट एग्नोस्टिक का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो ये मान रहा है कि गॉड है या नहीं वो पता ही नहीं चल सकता मतलब एक तो होता है आस्तिक वो थीस्ट हो गया जो मान रहा है कि गॉड होता है एक नास्तिक हुआ जो एथिस्ट हुआ लेकिन उसके बीच की चीज है कि वो व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि होते हैं गॉड या नहीं होते वो ये कह रहा है कि हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता और ना हमें कभी पता चल सकता उस तरह का व्यक्ति एग्नोस्टिक हुआ ट्वेंटी फोर इसमें आपको ब्लैंक फिल करना है अब यहां Until recently, the रिसेंटली women विलेज water डैश common फ्रॉम or और pumps, बट नाउ they हैव water टैप्स फेच होगा थीस बिलीव करता है हाँ थीस्ट का मतलब बिलीवर हो गया फ्यूजिटेबल अलग है फ्यूजिटिव नहीं वो फ्यूगेशियस है फ्यूजिटिव तो वही स्पेलिंग है वही सेम स्पेलिंग अच्छा अब यहाँ पे है कहाँ से कॉमन वेल्थ से तो कुएं से वो क्या करती हैं वहां से बॉट करती हैं बॉट तो बाय से बना है तो कुएं से पानी खरीद के कोई नहीं लाता है खरीदने वाली सेंस नहीं है वहां ले जाके फेंक देती हैं पानी वाली भी सेंस नहीं है तो थ्रो से बना फेच और सोल्ड बेच देती है पानी वहां जाके फेच होगा फेच का मतलब क्या होता है जाकर लाना कुछ फेच का मतलब ब्रिंग होता है जाके कुछ लाना वो ही करती है कि पहले कुएं से जाके लाती थी या है, हैंडपम्प से लाती थी लेकिन अब नल लग गए हैं ट्वेंटी फाइव अब इसको देखिए एक वर्ड में क्या कहेंगे ब्रीथ हार्ड एंड विद डिफिकल्टी अगर किसी की सांस फूल रही है मुश्किल से सांस आ रही है तो वो क्या हुआ वो स्ट्रैंगल करना है चौक करना कॉफ है या पैंट है गुड इवनिंग पूजा फेंक हाँ कोई और भर के लाया उन्होंने फेंक दिया ले जाकर वापस चोक नहीं ये कॉफ मतलब खांसना हो गया चौक का मतलब एक होता है जैसे कोई भावुक हो के आवाज थोड़ी भर्रा जाती है वो भी चौक होता है भावुक हो के या फिर गुस्से में इतना है कि वो आवाज थोड़ी सी अजीब सी हो जाए कि वो ठीक से बोल ना पाए वो चौक होता है या चौक का मतलब किसी का गला जैसे सांस रुकने लगे उसको भी कहते हैं सांस रुकने के लिए आता है तो चो चौक सांस रुकने के लिए हो गया या फिर एक वो भावुक वाली सेंस हो गई और स्ट्रैंगल का मतलब किसी का गला घोटना गला घोटने को स्ट्रैंगल कहेंगे फिर कॉफ मतलब खांसना हो गया पेंट होता है सांस फूलने को ये वर्ड कहते हैं सांस फूलने का मतलब ये एक वर्ड में इसको पेंट करना कहेंगे जैसे मुश्किल से सांस आ रही है ट्वेंटी सिक्स अब इसमें आपको एरर ढूंढनी है द फाइनल डिसीजन कैन बी टेकन ओनली आफ्टर वी एनालाइज ऑल द एम्प्लॉइज व्यूज मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा अपनी शिफ्ट आप सोल्यूशन की क्लास अच्छा ठीक है उनको भी कवर कर लेंगे जो आप बताएंगे क्वेश्चन उनको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे याद करके आइएगा क्या है व्यूज अच्छा गुड इवनिंग राजपूत चलिए देखिए यहाँ पे द फाइनल डिसीजन कैन बी टेकिन ओनली आफ्टर वी एनालाइज ऑल द एम्प्लॉज व्यूज हम क्या कहना चाह रहे हैं कि तभी फैसला लिया जा सकता है जब इन सबको एनालाइज कर लिया जाए व्यूज को एनालाइज कर लिया जाए उनकी राय जो है किसकी राय एम्प्लॉइज की राय एम्प्लॉय की राय जब कह रहे हैं तो उसमें का की के के लिए या तो ऑफ का यूज होता है या फिर अपोस्ट्रॉफी का यूज होता है इन दोनों में से कोई चीज आनी है तो हम अपोस्ट्रॉफी यहां पे ला सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज की राय कह रहे हैं अब किस तरह से अपोस्ट्रॉफी लाएंगे पहले तो एम्प्लॉयज एक से ज्यादा है प्लूरल है ये वर्कर्स है कर्मचारी तो जब प्लूरल नाउन एस से एंड हो तो उसमें पोस्ट्रॉफिक कैसे लगता है लास्ट में सिर्फ ऊपर कॉमा लग जाता है तो एम्प्लॉयज व्यूज ऐसे बोला जाएगा ये कहेंगे तो एनालाइज ऑल दी एम्प्लॉयज व्यूज सारे एम्प्लॉयज के व्यूज एनालाइज करके फिर आगे बढ़े अब क्यों आएगा ये रिलेशन दिखाने के लिए एंप्लॉयज के व्यूज ट्वेंटी सेवन अब सिनोनिम बताइए इसका गॉड ऑफुल का रोशन आपने एम्प्लॉज से पोस्ट्रॉफी सही नहीं लगाया है जब प्लूरल बना रहे हैं तो एस लगाया जब किसी प्लूरल नाउन में लास्ट में एस आता है तो पोस्ट्रॉफी उसके बाद आएगा सिर्फ कॉमा बाद में होगा गॉड नेस्टी रेगुलर या वॉलेंट्री बी ऑप्शन हाँ गॉड ऑफुल के हैं या सिर्फ ऑफुल के हैं ऑफुल का मतलब बहुत ही बुरा एक्सट्रीमली बैड सिर्फ ऑफुल का भी यही मतलब है अब ऑसम awesome इसका उल्टा हो गया ऑसम awesome का मतलब एक्सिलेंट बहुत ही अच्छा हुआ तो ये ऑफुल बुरा हो गया और बुरे के लिए नास्टी भी होता है बहुत ही बुरे के लिए अच्छा लूसेड का मतलब क्लियर कोई चीज लूसेड है मतलब वो बिल्कुल क्लियर है साफ साफ समझ में आए रेगुलर मतलब नियमित वॉल्ट्री मतलब जो अपनी इच्छा से कोई काम किया जाए ट्वेंटी एट अब ये फिर वन वर्ड ऑफ यूजिंग टू मेनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया कोई आइडिया आपको बताना है कोई आइडिया कुछ देना है लेकिन आप बहुत सारे ज्यादा एक्स्ट्रा ही शब्दों में उसको बोल रहे हैं तो वो क्या हुआ जैसे एग्जाम देते हैं कॉपी भरनी है अब वो आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा तो उसी चीज को जरा सा आपको आंसर पता है उसी को अलग अलग शब्दों में लिखें तो वो एब्रीविएशन हुआ कंसाइसनेस प्रोलिक्सिटी या ब्रेविटी बिल्कुल बी आंसर प्रोलिक्सिटी होगा प्रोलिक्सिटी कई लोगों का सही है शु बी करेक्ट नेचर हाँ सही तो प्रोलिक्सिटी इसका हुआ प्रोलिक्सिटी का मतलब ज्यादा ही वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन किसी चीज़ को छोटा करना शॉर्ट फॉर्म हो गया कंसाइज भी छोटा है और ये ब्रेविटी का मतलब भी छोटा ज़रूरत जितनी कम से कम शब्दों में कोई बात कही जा सकती है ब्रीफ कही जा सकती है तो उसके लिए कंसाइज लाएंगे और ये ग्रेविटी वर्ड लाएंगे ये दोनों सिनोनिम हो गए छोटा करना ये ज्यादा लंबा करना हुआ ट्वेंटी नाइन इसमें एरर देखें पेरिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी इन वर्ल्ड बिल्कुल सही सौभाग्य वेरी गुड कंसाइज एब्रीवेट करना सिनोनिम हा पेरिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी इन वर्ल्ड ये तो आसान होना चाहिए इन द वर्ल्ड होगा कुछ वर्ड्स के पहले दा का यूज होता है द अर्थ द वर्ल्ड द ग्लोब द यूनिवर्स द सन द मून इन सब के साथ द आएगा द अर्थ हो जाएगा इन दर्थ इन दर्ल्ड दुनिया का सबसे सुंदर है और सुपरनेटिव डिग्री है उसके पहले दा का यूज होता है वो सही अब यहाँ पे बताएं ईडियम का मतलब आई आई डोंट लाइक टू कट कॉर्नर वेन आई हैव कंपनी फॉर डिनर मुझे कट कॉर्नर्स करना नहीं पसंद है जब मेरे पास कंपनी हो डिनर के लिए मतलब डिनर पे मेरे साथ भी कोई और बैठा हो जैसे अपने लिए आपको खाना बनाना होता होगा आप अकेले रह रहे हैं अकेले किसी दिन है घर पे रूम लेके रह रहे हैं तो होता है अरे कुछ भी बना लो ऐसी कुछ खा लेंगे लेकिन अब कोई और भी हो तो होता है थोड़ा सा अच्छा बनाओ थोड़ा सा एफर्ट डाल के तो कट कॉर्नर्स क्या हुआ सेव मनी डू समथिंग इन एन एक्सपेंसिव वे डू समथिंग इन द इजिएस्ट चीपेस्ट फास्टेस्ट वे डू समथिंग फॉर शो ऑफ या नन ऑफ दिस कट कॉर्नर्स का मतलब हो गया कि बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट में कोई चीज कर रहे हैं टाइम बचा रहे हैं एफर्ट बचा रहे हैं कि पूरी तरह नहीं कर रहे हैं डू समथिंग इन दस्ट चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे जैसे मान लीजिए अब कोई फील्ड होती थी ग्राउंड पे जैसे कहीं बचपन में सजा मिली कि टीचर ने कहा कि पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाओ यही सजा है अब ग्राउंड के चक्कर जब वो टीचर देख रहे हैं तो आप पूरे के चक्कर लगाते होंगे लेकिन जैसे आपको लगा कि अभी नहीं देख रहे तो उसके कॉर्नर्स अब ये ग्राउंड है तो आपने कॉर्नर्स कट कर दिए मतलब बीच से ऐसे ही यहाँ घूम रहे थे ऐसे घूम के थोड़ा सा छोड़ के आ गए बीच से ही निकल आए कि कॉर्नर्स तक गए ही नहीं तो उन कॉर्नर्स को कट कर दिया कि जल्दी से काम कर लो उसको कट कॉर्नर्स कहते हैं कि जल्दी से कम टाइम में कोई चीज करें ज्यादा टाइम उसमें ना लगे समय बचाना थर्टी वन है अब इसमें सही स्पेलिंग बताइए कौन से वर्ड की सही स्पेलिंग और इसका मीनिंग भी बताइएगा चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड डिसेंडेंट की क्या स्पेलिंग होगी और डिसेंडेंट होता क्या है बी ऑप्शन डी इसका मतलब भी क्या है डिसेंडेंट क्या हुए डिसेंडेंट का मतलब हो गया किसी के जो बच्चे हैं फिर जो इमीजिएट बच्चे हुए या बच्चों के आगे जो जनरेशन होंगी वो वंशज हो गया डिसेंडेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही अशोक ये होगी डी ई एस सी एन डी ए एन टी थर्टी टू अब यहाँ पे बताइए आई लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप विद राहुल एज ही इज एंड डैश मुझे राहुल के साथ जाना अच्छा लगता है घूमने के लिए क्योंकि वो चेयरफुल है और इस टाइप का है तो वो कैसा होगा कि आदमी को अच्छा लगे वो क्लोज होगा अनकेयरिंग होगा टेंस होगा या इजी गोइंग होगा इजी गोइंग होगा तभी तो किसी को किसी, मजा आएगा ऐसे व्यक्ति के साथ कि चेयरफुल खुश मिजाज टाइप का हो और जो रिलैक्स रहता हो जिसको हम लोग कहते हैं बड़े कूल cool टाइप के हैं तो वो जो कूल cool वर्ड है वो यही चीज हो गई बिल्कुल रिलैक्सड है किसी चीज पे ये नहीं के उत्तेजित हो गए ज्यादा ही गुस्सा आने लगा तो ईजी गोइंग उसके लिए अनकेयरिंग तो बुरा हो गया जो किसी की परवाह ही नहीं कर रहा टेंस का मतलब वही टेंशन में तनाव में रहे तो आंसर वही था आपका सही थर्टी थ्री है अब आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देर इसमें गलती हो इस सेंटेंस में तो करेक्ट करिए देर में गलती है लाइब्रेरी आर दीज या बुक्स में और इसके अलावा भी आपको बता दें वो कैबलेरी क्लास का फिर बता दें टाइम चेंज हो गया है अब एक बजे रोज हम लोग वो के लिए मिलेंगे आज से टाइम बदला है और रात के आठ बजे ये मिक्स प्रैक्टिस होती है देर होगा पक्का आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देर देर का मतलब वहां हो गया देर का मतलब ये तो आपने सही बताया कि यहां पे गड़बड़ है लेकिन कैसे सही हो इसीलिए जरूरी है मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में सवाल आता है तो कई बच्चों का तो गलत हो जाता देर्स होगा देखिए एक ये होता है माए और माइन ये दो तरह के पॉजिशिव हुए मेरा कहने के लिए आप माए भी कह सकते हैं माइन भी कह सकते हैं फिर इसी तरह से आप योर बोलेंगे और एक योर्स बोलेंगे इसी तरह से आप एक देर बोलेंगे और एक देर बोलेंगे ये दोनों बोल सकते हैं लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ जब बाद में नाउन आ रहा है तो फिर ये वाला यूज करिए जो शुरू में दिए जब बाद में नाउन होगा तब ये आएंगे तो बाद में तो नाउन नहीं है ना जैसे देर बुक माई फैमिली माई बुक ऐसे कहेंगे लेकिन माइन बुक ये नहीं कह सकते आप माइन के बाद बुक नहीं लगा सकते ऐसे योर के बाद आप नाउन लाएंगे लेकिन यहाँ पे योर्स के बाद नहीं ला सकते तो देर के बाद तो जरूरी था कि नाउन आता तो उनका अगर हमें कहना है कि ये किताबें क्या ये किताबें उनकी हैं तो उनकी के लिए देर्स हो जाएगा जब बाद में नाउन नहीं है तो दूसरी साइड वाला आपको यूज करना है देर्स करेंगे नेक्स्ट थर्टी फोर अब इसमें बताइए एरर नो वुमन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस शी अप्लाई हर सेल्फ कंटिन्यूसली टू हर आर्ट कोई भी औरत ग्रेट आर्टिस्ट नहीं बन सकती जब तक कि वो ये काम ना करें वो नो वुमेन कैन अनलेस का क्या रूल आपने पढ़ा है पे सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो यहां नहीं पूछा का मतलब है यदि नहीं का मतलब यदि नहीं इफ प्लस नॉट अनलेस के बाद कोई नेगेटिव वर्ड आए तो वो गलत हो जाएगा अनलेस के बाद नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा वो तो नहीं दिया वेरी गुड राजेश अप्लाइज हिमांशु करेक्ट शी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो अप्लाइज हो जाएगा applies herself. जैसे अनिल खेलता है, कैसे कहेंगे अनिल प्ले नहीं कहेंगे अनिल प्लेज बोलेंगे उसी तरह से शी अप्लाइज हुआ थर्टी फाइव अब ये डायरेक्ट इन डायरेक्ट का सवाल आंट यू अफ्रेड ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन अन कंट्री आई आस्ट अदिति इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मैंने अदिति से पूछा पास्ट में पूछा था तो अब इसको कैसे चेंज करें मैंने अदिति से पूछा था नहीं आएगा ऐसा तो नहीं आएगा डी ऑप्शन देखिए आई आज अदिति जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमास का आपको टेंस और वर्ड दोनों चेंज करने और जब पूछ रहे हैं तो आए आज अदिति सवाल पूछने के लिए या तो आप इफ लाइए या वेदर कुछ भी ला सकते हैं फिर जब यू कहा था तो ये यू कौन है वो अदिति तो अदिति के हिसाब से शी में चेंज हो जाएगा अब यू नहीं रहेगा क्योंकि वो लड़की थी तो शी में चेंज होगा एक ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया फिर आय आज अब अदिति इफ शी वॉज अफ्रेड ऑफ ट्रेवलिंग अलोन वहां पे क्या था आंट यू नेगेटिव था जब नेगेटिव था तो हम उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं आंट का तो मतलब आठ नॉट हुआ तो नेगेटिव ही लाना है यहाँ पे नेगेटिव नहीं है फिर है आई आस्ट अदिति वेदर शी वॉज अफ्रेड यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं है यहाँ पे है आई आस्ट अदिति इफ शी वॉज एंड अफ्रेड ऑफ ट्रेवलिंग लोन इन अ फॉरन कंट्री ये आंसर हो गया आपको बस इसमें इतना सा देखना था कि नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव 36 अब इसको सही क्रम में लगाइए ये वाले तो हर एग्जाम में आ ही रहे हैं दो से तीन तो आ रहे हैं तो आप इससे तो बच नहीं सकते यहां से शुरू हुआ है इस पे खत्म हुआ है बहुत ही सिंपल कहानी टाइप का है आ गया वरुण आप जिसकी बात कर रहे थे द पोस्टमैन डिलीवर्ड अ लार्ज पैकेट टू रमेश बड़ी जल्दी बताया सौभाग्य पोस्टमैन ने बड़ा सा पैकेट डिलीवर किया रमेश को हर्ष पी एस का कॉम्बो हिमांशु सी प्रशांत रोशन साहिल सी, सी। से लास्ट होगा चलिए देखते हैं फिर इसके बाद फिर क्लोज टेस्ट करेंगे और क्लोज टेस्ट भी ऐसा है कि उसमें तो पांच पांच सवाल आ रहे हैं हर एग्जाम में चाहे वो आप सीजीएल देना हो एमटीएस हो सब में सीएचएसएल देखिए अब द पोस्टमैन डिलीवर्ड अ लार्ज पैकेट टू रमेश रमेश को बड़ा सा पैकेट दिया फिर ही टू किट टू ऑप्शन देख ले वो अपने भाई के पास उसे गया रमेश लेकेगरली ओपन अब बड़ा सा पैकेट था तो फिर ज्यादा लॉजिक क्या कहता है कि किसी को कोई पैकेट मिलेगा तो वो ओपन करेगा लेकिन और देख लेते हैं ही डिड नॉट नो हाउ टू ऑपरेट इट अब ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं तो मतलब पैकेट को ऑपरेट नहीं किया जाएगा तो पैकेट के लिए तो ये नहीं आ रहा होगा लास्ट सबसे पहले आर नहीं हो सकता था ही एन इलेक्ट्रिक ट्रेन सेट इलेक्ट्रिक ट्रेन को कर सकते हैं जो खिलौने की ट्रेन थी उसको ऑपरेट करना उसे नहीं आता था तो मतलब सबसे पहले पहले ऐसा आएगा उसी के बाद ऑपरेट करने वाली बात आएगी तो पहले ये होना चाहिए कि उसको पैकेट मिला उसने ईगरली ली बड़ी उत्सुकता से रमेश ने उसे खोला जब उसे खोला तो उसे क्या मिला ही एन इलेक्ट्रिक ट्रेन सेट जब खोला तो उसे एक ट्रेन अंदर से मिली लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि इसको कैसे ऑपरेट करें इसको चलाएं कैसे चलाना नहीं आता था जब नहीं आता था उसका सोल्यूशन क्या था अपने भाई के पास ले गया भाई की बात की है भाई फिर से आ गया हिज ब्रदर हेल्प हिम टू ऑपरेट द ट्रेन सेट भाई के पास ले गया तो भाई ने उसकी मदद कर दी तो यही आंसर ठीक आसान था ये तो <coughs> अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है थर्टी अब ये इसमें क्लोज टेस्ट है एक एक ब्लैंक आपको फिल करना है यह भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये प्रीवियस ईयर ये का है। द लामा इन अब यहां पे क्या करें? या इन? आपका शैलेन अच्छा आपकी तो डेट आ ही गई बस ऑल द बेस्ट शैलेन बस आप पुराना रिवाइज कर लीजिएगा जो भी आपने अच्छे से पढ़ा हो थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो वो ऑन होना चाहिए बिल्कुल ऑन होगा क्यों क्योंकि डेट के साथ डे दे और डेट दोनों के साथ ऑन का यूज होता है हम लोगों ने रूल किया है दिन या हो या तारीख हो ऑन आता है ऑन मंडे ऑन ट्यूसडे जैसे कहते हैं ही इज द लीडर ऑफ टिबिट्स बुद्धिस डैश ही लिव्स इन इंडिया वे आर थाउजेंड ऑफ इज फॉलोअर्स डैश वो क्या है वो तिबेट के बुद्धिस्ट के लीडर हैं बट ही लिव्स इन इंडिया वो टिबेट के लीडर हैं बट ही लिप्स और ही लिवस बिकॉज ही लिवस सो ही लिव्स यहां पे क्या करें वेरी गुड हर्ष हिमांशु मालती पूजा बट होगा बट क्यों होगा तो, तो वो टिबेट के लीडर लेकिन रहते हैं इंडिया में ये तो नहीं होगा क्योंकि वो इंडिया में रहते हैं इसलिए वहां पे उनको लीडर बना दिया गया इसलिए वो इंडिया में रहते हैं जब टिबेट के हैं तो इस वजह से क्यों इंडिया में रहेंगे और तो दो चीजों में ऑप्शन दिखाता है तो लेकिन हुआ लेकिन इंडिया में रहते हैं वे थाउजेंड्स ऑफिज फॉलोअर्स डैश हिम अब थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स क्या करेंगे उनको कॉल करते हैं विजिट करते हैं टूर करते हैं या ड्रॉप करते हैं विजिट करते हैं अब ये ड्रॉप तो गलती हो गया बिल्कुल यहाँ पे एक तो ड्रॉप का मतलब तो गिरा देना होता है एक ड्रॉप का मतलब किसी को कहीं छोड़ना भी होता है जैसे बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया वो भी होता है टूर का मतलब अब पर्यटन करने के लिए तो जाते नहीं लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं कॉल भी नहीं करेंगे कि उनको बुलाएंगे उनको विजिट करते हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वे थाउजेंड्स ऑफ इज फॉलोवर्स विजिट हिम ही इज द वर्ल्ड डैश बुद्धिस्ट मै वर्ल्ड मोस्ट फेमस एज फेमस मच फेमस या मोर फेमस यहां पे क्या करें मोस्ट <coughs> फेमस होगा ये भी आसान है सबसे फेमस है वैसे भी अगर आपको पता हो इनके बारे में तो ऑब्वियसली पता ही होगा आपको इनका नाम किसने नहीं सुना तो आपको पता है कि सबसे फेमस है लेकिन अगर आप उस हिसाब से ना भी जाए तो आप ये देखिए यहाँ पे द मोल्ड मोस्ट फेमस क्यों कहेंगे सुपर लेटिव डिग्री की वैसे मच का यूज नहीं हो सकता यहाँ पे कि ज्यादा फेमस है या तो आप वेरी फेमस कहते हैं तो द का यूज कर रहे हैं सुपर लेटिव डिग्री के साथ द आ गया द मोस्ट फेमस कहें एक सेकेंड गलत मार्क कर दिया रुकीगा द मोस्ट फेमस ये हुआ सबसे फेमस है फिर आगे बढ़े ही डैश फॉर फ्रीडम एंड डिबेट एंड पीस इन दर्ल्ड ही कैंपेनिंग ही कैंपेन कैंपेन या टू कैंपेन ही हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद क्या आता है किसी भी सेंटेंस में ज्यादातर क्या आता है सब्जेक्ट के बाद तो सीधे उसके हिसाब से वर्व आता है अब वर्ब इसमें से क्या है वर्ब ये नहीं है ये तो इंफिनेटिव है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यह इन्फिनेटिव होता है ये नहीं हो सकता फिर यहां पे कैंपेनिंग आप नहीं कह सकते क्योंकि कैंपेनिंग क्या है ये आईएनजी फॉर्म कोई ऐसा टेंस नहीं होता जिसमें सिर्फ आईएनजी फॉर्म आए ये गलत हो गया एक व्यक्ति के लिए आ रहा है जब एक व्यक्ति है तो क्या कैंपेन्स हो जाएगा कि वह कैंपेन करते हैं ही कैंपेन्स फॉर फ्रीडम जैसे आपको बताया था अनिल खेलता है अनिल प्ले नहीं अनिल प्लेज होगा उसी तरह से ये हुआ अब एक सवाल इसमें और कर लेते हैं तो बस ये लास्ट इसमें था एक है जम्बड़ का आखिरी सवाल आज का सही क्रम में इसको भी लगाइए तो यहां से शुरू हुआ है इट्स हार्ड टू इमेजिन अ हॉर्स अ रेल रोड कार रेल रोड कार को पुल करें खींचे ये इमेजिन करना भी मुश्किल है <laughs> कितने सही हुए हाँ अंकित हिमांशु शैलेन बहुत अच्छे सारे ही सही हो गए आपके वेरी गुड और किसी के सही हुए ये लेकिन एग्जाम में आया हुआ है तो मतलब आसान आते हैं ऐसा भी नहीं है देखिए अब क्वेश्चन ये क्वेश्चन मुश्किल अच्छा इट्स हार्ड टू इमेजिन अ हॉर्स अ रेल रोड कार मतलब रेलगाड़ी को पुल करे घोड़ा पुल करे रेल गाड़ी को राम राम सी ऑप्शन सतीश एस क्यू एस पी क्यू आर सौभाग्य वरुण ए बहुत सिंपल है ये ऐसे हैं कि जब आपको एक्सप्लेन किया जाए तो आपको लगे अच्छा हाँ यही तो था यही तो सिंपल था लेकिन आप प्रैक्टिस करिए तो आपको भी आसानी से आप करने लगेंगे फोर ऑन फाइव अच्छा है पूजा <coughs> एर देखिए इट्स हार्ड टू इमेजिन अ हॉर्स पुलिंग अ रेल रोड कार रेल रोड कार मतलब रेलगाड़ी हो गया तो रेलगाड़ी को घोड़ा खींचता था ये तो कल्पना करना ही मुश्किल है वही यहाँ पे दिया है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते फिर आगे है मेनी ऑफ दी अर्ली कार्स व पुल्ड बाय हॉर्सेस और देखें एंड दीज कार्स वी टू पुल आइदर इनको खींचना भी मुश्किल नहीं आसान नहीं होता था दे डेंट स्मूथली ओवर स्टील रेज अब एक कॉम्बिनेशन इसमें दिखाई दे रहा है कि इनको खींचना आसान नहीं होता था क्यों नहीं होता था उसकी वजह यहाँ पे बताई गई है कि वो स्टील के उनके पहिए नहीं होते थे जो स्मूद हो वो किस चीज के होते थे वो व्हील्स बने होते थे वुड के वो लकड़ी के बने होते थे तो उनको खींचना और मुश्किल हो जाता था मतलब है कि यहाँ पे Q और R जो है ये लग रहा है कि लास्ट में आएगा ये क्यों और आ, आर लास्ट में होगा क्योंकि ये इस सेंटेंस से रिलेटेड है कि इनको खींचना मुश्किल नहीं होता था क्योंकि ये स्टील के बने हुए नहीं होते थे स्टील के नहीं होते थे तो किसके होते थे वो सिक्स में जवाब दिया है कि वो लकड़ी के होते थे अब हमें पीछे से चल के पता चला तो अब इसको चेक कर लेते हैं ये जो डी ऑप्शन लग रहा है तो मुश्किल है ये इमेजिन करना और कि एक टाइम पे घोड़े इनको खींचा करते थे बट इट वॉज एंड लॉन्ग अगो दैट हॉर्से डिड जस्ट दैट लेकिन ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि हॉर्सेज यही काम करते थे यही काम मतलब है कि उसको खींचने का काम करते थे तो एक समय पे खींचा करते थे ये हुआ फिर इसके बाद होगा मेनी ऑफ दी अर्ली कार्स पुल्ड बाय बार्सेस अब उसको डिटेल में बता रहे हैं कि जो पुरानी ऐसी गाड़ियां होती थी उनको घोड़े पुल करते थे एंड दीज कार्स अभी कार्स की बात हुई प्लूरल में फिर से प्लूरल ले आए एंड दीज कार्स वी टू पुल आई घोड़े खींचते थे उनको खींचना आसान भी नहीं था क्योंकि स्टील के नहीं होते थे वो होते थे वुड के बने हुए तो यही आंसर हुआ इसका तो एस पी क्यू आर ये हम लोगों का फाइनल आंसर ठीक तो इस तरह आपको सॉल्व करना है आप एलिमिनेट करने का मेथड करिए कि ये वाला नहीं हो सकता ये स्टार्टिंग में ये हो सकता है कभी कभार पीछे का देख के आपको पता चलता है तो बस ये आखिरी इसमें था और अब हम लोग वो कैब के क्लास में सुबह मिलेंगे मतलब सुबह क्या दोपहर में ये टाइम अब हो गया है एक बजे छोटी क्लास होती है पच्चीस तीस मिनट की क्लास होती है इसको बिल्कुल मिस ना करिए और लाइव देखने की कोशिश करिए क्योंकि उसमें आपके डाउट हो वो पूछ सकते हैं उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो उसी टाइम पूछ लीजिए नहीं तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्विजेज आपको देनी हो पीडीएफ चाहिए हो उसके लिए सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा लाइक करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच पूजा यजनेश्वर पूनम शुक्रिया थैंक यू रोशन थैंक यू तो वो कैब में अब हम लोग मिलेंगे आज का रिवाइज करके आइएगा क्योंकि हाँ इस क्लास के बाद अभी इससे रिलेटेड क्विज भी होगी तो अभी टेलीग्राम पे आपने वो पुरानी क्लास अगर आज की ना देखी हो एक बार आप देख लीजिए आज ऐसी 25 मिनट की हुई थी फिर उससे रिलेटेड अभी आप क्विज़ में आंसर करिएगा और हर हफ्ते हम लोग पूरे हफ्ते का जो पढ़ा है उसकी भी क्विज करते हैं तो संडे के दिन पे ये हुआ था संडे को क्विज तो पीडीएफ अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी साथ में क्विज तो अभी कुछ देर में मिलने ही वाली है और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऑल द बेस्ट वरुण अच्छा परसों आपका एग्जाम है ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्जाम हो बस आप रिवाइज अब लास्ट मिनट एडवाइस बस यही है कि आप जैसे इंग्लिश में ये कर सकते हैं कि जो फिक्स प्रपोजिशन है वो आप एक बार जल्दी से देख लीजिए अगर आपने उसी तरह से पढ़ा है जैसे बताया था कि जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए उन पे एक बार नजर डाल लीजिए वो कैबलरी पर एक बार नजर डाल लीजिए और अगर आप आ, कुछ रूल्स रिवाइज करना चाहते हैं तो एक क्लास इंग्लिश की हुई थी गोल्डन रूल्स करके टॉप ट्वेंटी गोल्डन रूल्स इंग्लिश के वो आप एक बार देख ले उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे उम्मीद है कि वहीं से आएगा क्योंकि अब आसानी सवाल पूछे जा रहे हैं कॉमन वाले रूल्स पूछ रहे हैं तो ये आप देख लीजिएगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू अंजलि सैन सत्रह को है आपका अच्छा अभिषेक तो आप इस पे काम करिए आपको जो जम्बल में आप कह रहे हैं प्रॉब्लम हो रही है इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तो अब हम लोग एक बजे कल मिलेंगे थैंक यू वेरी मच बाय बाय गुड नाइट